हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात कर रही हूँ इस फाइलोडेंड्रॉन के बारे में। देखिए, ये कितना खूबसूरत फाइलोडेंड्रॉन है। ये देखिए, इसका नाम है फाइलोडेंड्रॉन स्कैंडेंस। ये देखिए, इसको हार्ट लीफ फाइलोडेंड्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स की शेप जो है वो ऐसी इस टाइप की हार्ट शेप्ड होती है। और लीव्स जो हैं इसकी कितनी ग्लेसी लीव्स होती हैं और डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। जब ये लीव्स निकलती हैं तब थोड़ा सा लाइट कलर होता है, और जैसे जैसे ये ग्रो करता है इसकी लीव्स, ये देखिए कितना अच्छी तरह, ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और देखिए कितना अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। क्योंकि मैंने इसके दीवार के पास या पिलर के पास रखा हुआ था, इसलिए देखिए ये इसकी थ्री साइड्स तो इसकी ग्रोथ अच्छी है, और जो इसका साइड पिलर की साइड था वहाँ पर इसकी देखिए कितनी जड़ें निकली हुई हैं। ये देखिए इसमें ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, ये देखिए नीचे तक कैसे जड़ें निकली हुई हैं। ये देखिए, ये जो फाइलोडेंड्रॉन है इसका जो नेचर है वो एपिफिटिक नेचर होता है। देखिए एपिफिटिक नेचर है इसका। एपिफिटिक नेचर मतलब कि ये जब जंगलों में वाइल्ड उगते हैं तो ये जो ट्री जो होते हैं ना, ट्री के ऊपर उसके तने के ऊपर, ये देखिए ये अभी मैं बताऊंगी, ब्राउन मार्क्स इसमें हैं, और ये ट्री के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं, उसके ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं। ये जो इसका नाम है ना स्कैंडेंस, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्री लविंग क्लाइंबर। तो ये ट्री के ऊपर ग्रो करना पसंद करता है। एपिफाइट किस प्लांट को कहते हैं, जो ट्री वगैरह के ऊपर दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है और उसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, वो उसी से ही उसके तने से उसकी रूट से ही न्यूट्रिशन लेता है। तो जैसे इसकी ये लंबी लंबी जो रूट्स आपको मैंने अभी दिखाई, ये जो इसकी रूट्स होती हैं ये उस ट्री में अंदर पेनिट्रेट करके और उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं, उनकी रूट्स के बीच में जाके उनसे न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो इसलिए ये एपिफाइट है, इसको इतना बहुत ज़्यादा वाइल्ड ग्रो करता है तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम इसको घर में भी गमले में भी लगाते हैं तो इसको कोकोपीट आप मिट्टी में मिलाएं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद ले लें, और एक हिस्सा अच्छी सी कोकोपीट, जो बढ़िया क्वालिटी की कोकोपीट है, उसको आप पानी में, वार्म वाटर में 3-4 बार धो के अच्छी तरह उसके केमिकल्स निकल जाएं, उसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो निकल जाए, उसके बाद उसको मिला के लगाएं। और देखिए अगर आप मेरी बात करें तो मैंने इसको अपने नॉर्मल जो मैं सॉइल मिक्सचर लेती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड, उसमें लगाया हुआ है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली, कितना अच्छा, देखिए कितना ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये ऊपर क्लाइंबिंग की तरह चढ़ने वाला फाइलोडेंड्रॉन है। कई फाइलोडेंड्रॉन है वो क्लाइंबर्स नहीं होते, इरेक्ट ग्रो करते हैं, लेकिन ये क्लाइंबर है, देखिए ऊपर चढ़ रहा है। और इसको और ज़्यादा बुशी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। ये जो ऊपर वाली ब्रांच आपको इसकी कोई दिखे तो टिप दिखे, जैसे ये टिप दिख रहा है, इसको आपको ऐसे पिंच करते रहना चाहिए, या फिर या पिंच कर दें या फिर प्रून कर दें। ये देखिए ये टिप को मैंने ऐसे पिंच कर दिया, ये ग्रोइंग पॉइंट हटा दिया तो नीचे से और 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। और इस ग्रोइंग पॉइंट को भी अगर इसमें, ये देखिए नोड है, देखिए ये गांठ सी दिख रही है, ये लाइन जहाँ से पत्ती निकल रही है उस पोर्शन को नोड कहते हैं। इसको अगर मैं पानी में डाल दूंगी या मिट्टी में लगा लूँगी तो इसमें से भी रूट्स आ जाएंगी और आपके नए प्लांट्स निकल जाएंगे। बहुत ईजी है इसको ग्रो करना, इसकी छोटी छोटी ऊपर से कटिंग ले लें आप, उससे क्या होगा, पौधा आपका बुशी बनेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा अच्छी तरह से, और जो है वो आपको पौधा भी ग्रो करेगा, आपको नए पौधे भी मिल जाएंगे, उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी अगर आप उसको अपने प्लांट को ऊपर से प्रून और पिंच करते रहेंगे तो ये और अच्छी तरह ग्रो करेगा। अब हमने मिट्टी की बात की कि आप कोकोपीट डाल सकते हैं अगर आपके वहाँ की मिट्टी हार्ड है। मैंने इसमें कोकोपीट नहीं डाला हुआ है, मेरा ये इसी तरह से अच्छा ग्रो कर रहा है। अब जब मैं इसकी लाइट की बात करूँगी तो इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, मतलब इसको धूप नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा अंधेरे से में भी नहीं रखें, अच्छी सी लाइट हो, ब्राइट, और बस
उसमें इसको रखें, छाया रहे, बस ब्राइट लाइट सी अच्छी मिले। ये देखिए मेरा ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। कई बार जो लोग मेरा रेगुलर देखते होंगे उनको दिखा होगा, ये ऐसी जगह है जहाँ अच्छी सी लाइट पड़ती है इस पर, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ, ये फाइलोडेंड्रॉन है, इसलिए इसको जो है मॉइस्ट और मॉइस्ट तो मिट्टी चाहिए। मिट्टी को ज़्यादा सॉगी करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। सॉगी करने से क्या हो जाएगा कि इसकी जड़ें गल जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। तो मिट्टी को सॉगी नहीं करें, लेकिन इसको ह्यूमिडिटी पसंद है। आप अभी देख रहे होंगे कि मैंने अपने पौधे को नहलाया हुआ है, हालांकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। ये थोड़ा सा छज्जे के नीचे पड़ा था तो इस पर इतनी बारिश नहीं पड़ी, और आसपास भी ह्यूमिडिटी है आजकल तो। और वैसे भी जैसे मैं सारे पौधों को पानी देती हूँ तो दिन में एक बार ज़रूर नहलाती हूँ, लेकिन फाइलोडेंड्रॉन्स को आप एक से ज़्यादा बार भी नहला देंगे ना, दिन में दो बार भी नहला देंगे, तो ये फाइलोडेंड्रॉन्स को जो है वो बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी ठंडक रहती है तो ये अच्छा ग्रो करते हैं। इनकी पत्तियों का कलर अच्छा आता है, अच्छी ब्राइट होती हैं, शाइनिंग आती है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा धूप पड़ जाती है तो ऐसे ब्राउन होने लग जाते हैं इसके पत्ते, या फिर इसके पत्तों की टिप्स ब्राउन होने लग जाती हैं। अगर जो है वो, अब देखिए इसमें मैंने इसको मॉस स्टिक के साथ लगाया हुआ है, ये देखिए मॉस स्टिक के साथ लगाया हुआ है, ये आपको मॉस स्टिक दिख रही हो तो मॉस स्टिक पे लगाया हुआ है, और इसकी जड़ें भी अच्छी सी इस मॉस स्टिक के अंदर जा रही हैं। कुछ जड़ें, अब क्या है इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई हैं, तो कुछ तो मॉस स्टिक के अंदर गई हुई हैं और कुछ जो है वो बाहर ही लंबी हो रही है। इनको फिर मैं अब शायद प्रून भी कर दूँ। ये बहुत छोटा सा पौधा था जब मैं इसको लेके आई हूँ, और अब ये बहुत अच्छा सा ग्रो कर गया है। क्यों कर गया है? क्योंकि एक तो इसको मैं ह्यूमिडिटी देती हूँ, इस पर छिड़काव करती रहती हूँ, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में मैंने इसको रखा हुआ है, और फिर जैसे ये एपिफाइट्स है, एपिफाइट है, इसको थोड़ी ऐसी मॉस स्टिक जैसी चीज़ दे दी, तो ये इसमें इससे अपना, इसमें मैं जब लिक्विड खाद देती हूँ ना तो इस मॉस स्टिक पे भी दे देती हूँ, तो उस मॉस स्टिक से इनको खाद मिलती रहती है। जैसे ही एपिफिटिक इनका नेचर है, इनको खाना जो है इससे लेते रहते हैं मॉस स्टिक से, तो अपना एपिफाइट की तरह ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो लाइट की मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता दी कि इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में बहुत, ये लो लाइट को भी बेयर कर लेगा। अगर आप इंडोर में लो लाइट में लगाएं तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा, लेकिन जो बेस्ट ग्रोथ आपको या बेस्ट प्लांट का खुशी चाहिए वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में है। प्रोपेगेशन बहुत आसान है इसका, और ये 4-5 फीट तक लंबा आसानी से ग्रो कर जाता है। आप देख भी रहे हैं मेरा ये कितना अच्छा सा ग्रो करा हुआ है। 12 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है, और प्लांट का साइज़ देखिए कितना अच्छा ये ग्रो किया हुआ है इस 12 इंच के गमले में। इसमें फ्लावरिंग भी होती है प्लांट में, मैंने आज तक नहीं देखी है, लेकिन बड़ी रेयर फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग जब होती है ना तो पीस लिली टाइप फ्लावर होता है इसमें। अंदर से फ्लावर सफ़ेद सा होता है और स्पेथ होता है, मतलब बड़ी सी एक पत्ती के अंदर होता है फ्लावर, वो हाथ जैसे, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ऐसा ऐसा सा हाथ का ऐसे स्पेत होता है, उसके अंदर इस जगह जो है वो फ्लावर होता है। तो इस तरह से इसका छोटा सा, दिखता नहीं है अच्छी तरह से, सफ़ेद सा फ्लावर होता है। तो ऐसे वो भी बहुत ओल्ड जब प्लांट हो जाता है गमले में, तो मैंने आज तक, मेरा ये प्लांट काफ़ी पुराना है, 3-4 साल हो गए, लेकिन मैंने इसमें अभी फ्लावर नहीं देखा है, और बहुत छोटा सा फ्लावर होता है। वाटरिंग इसमें क्या है कि इसकी मिट्टी को बस आपको मॉइस्ट रखना है, जैसे मैंने कहा कि इसकी मिट्टी को आपको वो नहीं करना है, सॉगी नहीं होने देना है, पानी इतना ही देना है कि मॉइस्ट रहे, लेकिन सूखने भी नहीं देना है। और अगर आपने ये मॉस स्टिक लगाई है तो मॉस स्टिक पे भी आप लिक्विड खाद दें तो वो ज़रूर दें, और इस पे भी पानी दें तो पानी भी दें, और पत्तों को मिस्टिंग दिन में 2 बार या 1 बार तो ज़रूर से ही करें, तभी आपके फाइलोडेंड्रॉन ग्रो कर सकते हैं। इनको अपने चारों तरफ ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो ह्यूमिडिटी का लेवल हमें हाई रखना पड़ेगा, वो हम मिस्टिंग से ही कर सकते हैं। और क्योंकि ये पत्तों के लिए उगाया जा रहा है, देखिए कितने सारे ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, और पत्तों को ग्रो करने के लिए पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो इसलिए इसको आपको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र में देखिए, एक तो महीने में एक बार आप इसमें NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के अच्छा सा NPK 19-19-19 आप दें इसमें, स्प्रे अच्छा सा स्प्रे बॉटल में डाल के 1 लीटर में 1 छोटा चम्मच डाल के 19-19-19 वो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार
जरूर आप इसमें करें। 15 दिन में एक बार करेंगे तो महीने में एक बार का ही एवरेज सा आ जाता है कुछ, तो 1.5 महीने में 3 बार हो जाता है शायद मेरा ख्याल, मतलब मैं तो 15-20 दिन में एक बार कर देती हूँ, एग्जैक्टली काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपना ऑर्गेनिक वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ जो मैं गोबर से बनाती हूँ। गोबर की खाद अगर आपके पास है तो गोबर की खाद को आप रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उसका जो पानी है ना, जैसे 1 बाल्टी पानी में 2 मुट्ठी खाद भिगो दें और उसको फिर सवेरे उस पानी को आप अपने इस पौधे को दें 20 दिन में एक बार। मतलब ऐसे कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार NPK दे दें और अगले 15 दिन बाद आप ये गोबर की खाद वाला जो मैं कह रही हूँ, अब वो गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, उसको पानी में भिगो के दे दें। और जो इसको ज़्यादा वाली खाद देते हैं वो देखिए, एक तो फरवरी में देते हैं हम और एक अभी सितंबर में देते हैं। अब मैं अपने पौधों को सितंबर में खाद थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन इस बार मौसम भी लेट ही चल रहा है, अभी तक बारिश हो रही है तो अभी मैं खाद इसको देना शुरू कर दिया है। थोड़े थोड़े पौधों को मैं खाद देती जा रही हूँ, तो 12 इंच के गमले में अच्छी सी 300-400 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह से आप दे दें। और देखिए आपको दिखाऊं कितनी सारी जड़ें भी निकलती हैं, पत्ती आ जाती है सामने, ये देखिए कितनी सारी जड़ें भी निकली हुई हैं इसमें, जो ब्राउन ब्राउन दिख रही हैं आपको। तो ऐसे आप इसमें खाद दे दें और पॉटिंग सॉइल मैंने आपको बता ही दिया जिस तरह से, और ये छोटे से छोटे गमले में, जैसे आपको मैंने बताया देखिए ये कितना बड़ा है, 12 इंच के गमले में है, छोटे से गमले में बहुत अच्छा ग्रो करता है। रिपॉटिंग इसकी 1-2 साल बाद कर दें। अब देखिए मेरे इस गमले में ये 2 साल से उगा हुआ है, अभी भी मैं इसकी कोई रिपॉटिंग नहीं कर रही हूँ। 2-3 साल में एक बार जब आपको लगे कि अब पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो पौधा फिर भी सूख जाता है या फिर पानी देते ही पानी ख़त्म हो जाता है, पत्तियाँ ज़्यादा ही मुरझा रही हैं, कितनी खाद दे दो, इसका मतलब है कि उसको जगह अब उसके रूट को इनसफिशिएंट हो रही है। तो अच्छा एक चीज़ और है कि फाइलोडेंड्रॉन्स जो होते हैं इनमें पीली पत्तियाँ होना जो आम है, पुरानी पत्तियाँ पीली होती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एबनॉर्मली ज़्यादा पत्तियाँ पीली दिख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पौधे को खाद जो है वो बहुत ज़्यादा देखिए इसकी, मुझे ये जड़ें बड़ी ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार इस तरह से जड़ें ग्रो करती हुई देखिए बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप इसका मतलब है कि उसमें आप या तो पानी ज़्यादा दे रहे हैं या आपने खाद बहुत ज़्यादा दे दी है, तो उससे इसकी पत्तियाँ ज़्यादा पीली होने लग जाती हैं। तो इमिजिएटली पानी देना कम करें, या खाद ज़्यादा दे दी है तो फिर उसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें, खाद ज़्यादा देने से भी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं पौधों की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि थोड़ी सी कम खाद दे देंगे ना पौधे को तो नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद देने से पौधे की पत्तियाँ पीली होकर पौधे के मरने का ओवर फर्टिलाइजिंग से बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप थोड़ा सा, जैसे मैंने 300 ग्राम बोली है तो 250 भी देंगे तो सही रहेगा, 300 से 350-400 करेंगे तो ज़्यादा प्यार में पौधा फिर मरने का डर रहता है। अच्छा प्रोपेगेशन तो जैसे मैंने आपको बताया ही है इसका, इसकी ऐसे कटिंग्स ले लेके और आप लगा लेंगे तो आपका पौधे का प्रोपेगेशन हो जाएगा। मैं अभी कटिंग ले के दिखाऊँ आपको, बड़ी मोटी मोटी सी कटिंग्स हो रखी हैं मेरे इसमें, पौधा मेरा ये देखिए, चलिए आपको कटिंग लेके दिखा देते हैं। बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है कटिंग लेना कोई, ऐसे बस ऐसे कोई सी एक ऐसे कटिंग लें आप और ऐसे लगा लें आप, या तो पानी में लगाएं। अब ये कटिंग मैं लूँगी तो इसमें नीचे नोड नहीं आई है, देखिए नोड नहीं आई है नीचे, हाँ आई है ये देखिए, ये नोड आई है। इसको अगर मैं मिट्टी में लगाती हूँ तो यहाँ से इसमें जड़ें निकल आएंगी। सिंपल सी आपको कोई कटिंग लेनी है अपने पौधे में से, जैसे ये वाला है इसमें आप यहाँ से इसको आप यहाँ से कहीं से काट लेंगे, छोटी सी इतनी सी कटिंग भी लेंगे ना, जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है ये देखिए, इतनी कटिंग भी लेंगे तो भी ये ग्रो कर जाएगा। मैंने ये लगाई हुई भी है लेकिन अपने बैकयार्ड में लगाई हुई है, कल शायद आप मैंने पौधे दिखाए थे उनमें एक गमले में लगा हुआ दिखा होगा आपको। तो ये कटिंग्स पानी में भी लग जाती हैं और मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो करता है। वैसे ये थोड़ा पेस्ट फ्री प्लांट है, इसमें ज़्यादा वो जो है ना वो पेस्ट नहीं लगते, कीड़े वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी जब आप महीने में एक बार इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं या NPK भी देते हैं तो आप साथ में थोड़ा सा नीम ऑयल डाल दें। नीम ऑयल जो है ना वो वाला लें, जो नीम ऑयल ये मिलता है एग्रीकल्चर शॉप पे मिलता है, उसके अंदर जो है ना इमल्सीफायर मिला हुआ होता है, उसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल और सोप मिलाना पड़ता है। तो आप वो बना बनाया लाएं वो और भी अच्छा है, जब ख़रीदना ही है
तो वो वाला खरीदें, वो मिला लें लिक्विड फर्टिलाइज़र में और सारा स्प्रे कर दें अच्छी तरह, और थोड़ा सा मिट्टी में भी दे दें, वो बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी में देने से जो पेस्ट जड़ों के आसपास होते हैं वो भी नहीं लगते हैं, और आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहता है। वैसे इसको ज़्यादा बीमारियाँ होती नहीं है, पेस्ट लगते नहीं हैं, फिर भी ये प्रिकॉशनरी मैं अपने सारे प्लांट्स के लिए ज़रूर करती हूँ, तो आप इसके लिए भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पौधा, ये फाइलोडेंड्रोन अच्छा लगता है तो आप भी बाजार से ज़रूर लेके आइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।